नमस्कार, अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हिंदू और एक नॉन हिंदू की शादी किस प्रकार से हो सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि शादी सिर्फ दो हिंदुओं में ही हो सकती है, लेकिन यदि कपल में से एक हिंदू है और एक नॉन हिंदू तो उसकी शादी दो तरह से हो सकती है। पहला तरीका है स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, जिसका प्रोसीजर इस प्रकार से है। सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट बताता है कि हिंदू और नॉन हिंदू की शादी कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इस एक्ट की कंडीशन भी बिल्कुल हिंदू मैरिज एक्ट की तरह होती है, जैसे दोनों कपल पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, दोनों की उम्र पूरी होनी चाहिए, जैसे लड़की की उम्र 18 से ऊपर, लड़के की उम्र 21 या 21 से ऊपर, दोनों की शादी उनकी सहमति से होनी चाहिए और वो अपनी सहमति देने के योग्य हों, दोनों दिमागी रूप से अच्छे हों, किसी को भी ऐसी कोई बीमारी ना हो जो जिसका कोई इलाज ही ना हो, मतलब दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा ना दे रहा हो। ये सब कंडीशंस फुलफिल जब हो जाती हैं तो कपल स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मैरिज ऑफिसर के पास मैरिज के लिए एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जिसे नोटिस भी कहा जाता है। इसके लिए आपको ज्यूरिसडिक्शन भी देखना होगा। मैरिज ऑफिसर को नोटिस मिलने के बाद कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि ऑब्जेक्शन को इनवाइट करें। यदि कोई भी उस मैरिज से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आ सकता है तो वो इसको इनवाइट करेंगे और उसकी पूरी की पूरी छानबीन करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम एक महीना तो लग ही जाता है। इस प्रोसीजर में कपल की पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, फैमिली मेंबर्स का विटनेस होना अनिवार्य होता है और कपल से डिक्लेरेशन भी साइन कराया जाता है, जिसमें अलग तरह की कंडीशंस होती हैं। उसके बाद एक डेट मिलती है। सारे वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने अपीयर होना होता है। वे मैरिज ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपके विटनेस से भी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके सवाल जवाब दे देते हैं और मैरिज ऑफिसर को ये लगता है कि आपने सही जवाब दिए हैं और वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं, तभी वो मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में पूरा एक महीना या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आप कम समय का प्रोसीजर चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपना रिलीजन चेंज करके, मतलब कन्वर्जन करके, अपनी शादी को आर्य समाज मंदिर में परफॉर्म कर सकते हैं और फिर जब आर्य समाज की मैरिज भी पूरी तरह से वैलिड होती है, फिर आप उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर भी पूरी तरह से लीगल और वैलिड है। इसमें भी कपल की उम्र पूरी होनी चाहिए, नाबालिग नहीं होने चाहिए, दोनों ही बालिग होने चाहिए, दो विटनेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो विटनेस उनके फैमिली मेम्बर्स हों। इसमें किसी भी तरह की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपके 6-6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और विटनेस, और विटनेस जो होने चाहिए वो दो होने चाहिए, उनकी भी फोटोग्राफ्स लगती हैं, उनका भी आधार कार्ड लगता है, और आपको 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक कन्वर्जन का सर्टिफिकेट, एक आर्य समाज मंदिर मैरिज का सर्टिफिकेट, तीसरा कोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों प्रोसीजर बताए, अगर आप इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हो तो। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।